हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम पासपोर्ट चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज इंस्टाग्राम पासपोर्ट। जी हाँ गाइज, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं बिना करंट पासवर्ड डाले हुए, यानी कि बिना ओल्ड पासवर्ड डाले हुए आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा और लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं बिना करंट पासवर्ड डाले हुए। तो लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए जानकारी एंड नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम का पासवर्ड को चेंज करने के लिए बिना करंट पासवर्ड डाले हुए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओके गाइज, और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड में सबसे नीचे है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर है प्लस के आइकन के साइड में, तो इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। और थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सबसे ऊपर में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे सेटिंग मिलेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको क्या करना है, चौथे नंबर मिलेगा एक ऑप्शन सिक्योरिटी। जी हाँ गाइज, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे ही सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सिक्योरिटी आ जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर में आपको मिलेगा पासवर्ड। जी हाँ गाइज, तो आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको बोलेगा फर्स्ट में करंट पासवर्ड और उसके नीचे में जो न्यू पासवर्ड आप अपने इंस्टाग्राम का रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल करके आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड बहुत ही ईजिली तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको करंट पासवर्ड याद नहीं है, यानी कि ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है, तब क्या करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड। जी हाँ गाइज, आपको फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं और आप भी इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको करंट पासपोर्ट याद नहीं है तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए फॉरगेट योर पासपोर्ट। जी हां गाइस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। और फॉरगेट योर पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक दो सेकंड के अंदर आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में आ चुका है एक मैसेज इंस्टाग्राम के तरफ से। तो उसके बाद अगर आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा तो यहाँ से आपको बैक करना है। और बैक करने के बाद आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो टेक्स्ट मैसेज एप्लीकेशन होता है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद इंस्टाग्राम की तरफ से जो मैसेज आया है उसे आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस लिंक पे। और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई ब्राउज़र को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र की सिलेक्ट करना है, बेटर यही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो आप भी क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको समझने में और इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप भी क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लीजिए। और क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक दो सेकंड के लिए या तीन सेकंड ही हो सकता है, जितना फास्ट आपका इंटरनेट रहेगा उतना ही जल्दी ये सर्चिंग ले लेगा। और सर्चिंग लेने के बाद गाइज, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम लिखा होगा और उसके नीचे में यहाँ पर गाइज मिलेगा न्यू पासवर्ड, और उसके नीचे में फिर से मिलेगा न्यू पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। दोस्तों, जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो दोनों बॉक्स में सेम टू सेम डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों, पासवर्ड डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना पासवर्ड कम से कम 6 लेटर का डालिएगा। 6 लेटर से कम डालिएगा तो आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज नहीं होगा या पासवर्ड लेगा ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि आप कम से कम 6 लेटर का पासवर्ड डालिएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर 6 लेटर का कोई पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ दोनों बॉक्स में सेम टू सेम। आप भी कर दीजिए दोनों बॉक्स में सेम टू सेम पासवर्ड 6 लेटर का। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ।
तो गाइज यहाँ पर मैं दोनों बॉक्स में सेम टू सेम पासवर्ड को इंटर कर दिया हूँ, और आप भी फटाफट से डाल दीजिए। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट पासवर्ड। जी हाँ गाइज, तो आपको रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से सर्चिंग लगा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्चिंग ले रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जितना ज़्यादा आपका इंटरनेट फास्ट रहेगा उतना ही जल्दी ये सर्चिंग ले लेगा। और सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन अपडेट का, जी हाँ गाइज, जो कि ब्लू कलर में है। तो आपको इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ तो यहाँ पर हमें बोल रहा है लॉगआउट करने के लिए। जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँगा यानी कि ओके पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टाग्राम जो है मेरा लॉगआउट हो जाएगा। और लॉगआउट होने के बाद हमें बोलेगा ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो न्यू पासवर्ड अभी इंटर किया हूँ वो पासवर्ड डालूंगा तो मेरा इंस्टाग्राम का आई डी जो है लॉगिन हो जाएगा बहुत ही ईजिली तरीके से। तो आप भी जब अपने इंस्टाग्राम को ओपन कीजिएगा तो आपको भी बोलेगा लॉगआउट करने के लिए, तो आप लॉगआउट कर दीजिएगा। और लॉगआउट करने के बाद जो न्यू पासवर्ड डाले हैं वो पासवर्ड डाल करके आप अपने इंस्टाग्राम में अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो मिलते हैं फिर एक नई ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।